ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। मंगलवार यानी 27 अगस्त को प्रशांत किशोर की जनस्वराज द्वारा आयोजित समाजवादी समागम में पीके ने अपने पार्टी को लेकर कई बड़े मुद्दे पर बात की। बात करते हुए पीके ने अपने संबोधन में जनस्वराज से चुनाव लड़ने वालों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें संसाधन और पैसों की कोई कमी नहीं होने देंगे। उनकी पार्टी चुनाव लड़ने वालों को हर प्रकार से मदद करेगी। बता दें, पीके के इस निश्चितता पर जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर पीके की पार्टी जनसुराज के लिए फंडिंग आएगी कहां से, तो पीके ने इस बार एक एक करके पैसे का हिसाब देते हुए सारी कहानी सबके सामने रख दी। दरअसल पीके ने 200 करोड़ की फंडिंग की बात करते हुए ये कहा कि लोगों से 100-100 रुपए चंदा लेकर वो 200 करोड़ रुपए जुटा पाएंगे। बता दें, साल 2023 में जारी हुई नीतीश सरकार की जातीय गणना रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की आबादी कुल 13.7 करोड़ है। हालांकि उन्होंने 2 करोड़ लोगों में वो कौन होंगे इसका नाम लेकर कुछ विस्तार से नहीं बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव जनता की ताकत पर लड़ेगी। उन्होंने अपने लोगों को ये भी सलाह दी कि कोई भी शराब माफिया, भू माफिया हो, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे अभियान को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? पैसा उन लोगों से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्ष में हमने मदद की है, उनको आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगाया है, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि पैसा दो ताकि बिहार में गरीब से गरीब के बच्चे को भी आगे पढ़ाया जा सके। पूरे बिहार में कोई आदमी ये नहीं कह सकता है, कोई माई का लाल, कि 1 रुपया भी उससे किसी ने लिया, क्योंकि जो लोग यहाँ दल चला रहे हैं वो बालू माफिया, शराब माफिया, अफसरों के द्वारा लूटे गए पैसे से चला रहे हैं। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो लोगों के किए गए पैसे से वो व्यवस्था चले। 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपने ठीक सवाल पूछा। हम मन से कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ना चाहता है और उसके सामने बड़ा से बड़ा भू माफिया हो, शराब माफिया हो, तुमको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा जनसुराज आपको जरूरत के मुताबिक देगा, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? वो व्यवस्था आएगा, पैसा आएगा सरस्वती से। हम लोग अपने धर्म में क्या बताते हैं? जहाँ सरस्वती है वहां लक्ष्मी का वास होना ही होना है। तो हम लोग बिहार में ये व्यवस्था बना रहे हैं कि कम से कम 2 करोड़ बिहार के लोग 100-100 रुपया जनसुराज दल बनने के बाद दें, ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया भी कोई ऐसा हथियार है जिससे राजनीति पर प्रभाव डाला जा सकता है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज डोनेशन की व्यवस्था आप देखिएगा, 2 अक्टूबर से ऐसी व्यवस्था बिहार में आपको दिखेगी कि बिहार में किसी गांव किसी कोने में बैठकर आप अपने मोबाइल के जरिए एक स्वच्छ व्यवस्था के लिए पैसा डोनेशन कर पाएंगे, ताकि आप 100 रुपया दीजिए जिससे आपको कल दाखिल खारिज में 10,000 रुपया न देना पड़े। आप 100 रुपया देकर जनसुराज की मदद कीजिए ताकि राशन कार्ड के लिए आपको 2,000 घूस न लगे। आप 100 रुपया जनसुराज को देंगे और जनसुराज से ईमानदार प्रतिनिधि चुनकर आएगा। बता दें, इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव जनसुराज में शामिल हो गए। शामिल होते ही देवेंद्र यादव ने लालू पर निशाना साधा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेंद्र यादव ने बिना किसी का नाम लिए लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि A to Z की बात करने वाली पार्टी लेकिन कभी परिवार और जाति की राजनीति से बाहर नहीं निकलती है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। बता दें, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पीके बिहार की राजनीति में मुखर कर अपनी बात रखते दिख रहे हैं। पीके हर बात को धड़ल्ले से सबके सामने रख रहे हैं। 2025 में इसका कैसा प्रभाव दिखेगा वो चुनावी परिणाम के साथ ही साफ हो जाएगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।